हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, ठंडी आ गई है और मिक्स पिकल अब सभी के घर में बनना चालू हो जाएगा, तो मैं भी बना रही हूँ। तो मैंने लिया है मूली 2 पीस, गाजर अराउंड मैंने छोटे छोटे अलग 2 बड़े लिए थे तो उसको तोड़ दिए 4, हरी मिर्ची 4-5 है, गोभी है, थोड़ा सा बना रही हूँ फ्रेश फ्रेश खाने के लिए, लहसुन है 1 गांठ, अदरक है, नींबू मैं थोड़ा सा 2 डालूंगी, लेगा कम खट्टा है तो 3 डालूंगी, और मैंने लिया है हरी मिर्ची। चलिए सबको पहले काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो सर्कल में काट सकते हैं या आप इस तरीके से भी काट सकते हैं अचार के लिए। ये देखिए, ये लंबा लंबा, ये देखिए, इस तरीके से भी खाने में अच्छी लगती है गाजर। इसी तरीके से हम मूली को भी काट लेंगे, देखिए इसी तरीके से बिल्कुल, ये देखिए। गोभी को हम बस टुकड़े थोड़े थोड़े इस तरीके से तोड़ देंगे, इस तरीके से। गोभी साफ़ होनी चाहिए, यदि कीड़े वगैरह लग रहे हैं आपको तो उसको अच्छे से धो लें पानी में, या फिर हल गर्म पानी में नमक हल्दी डाल के भी धो सकते हैं उसको। ये तो साफ़ गोभी दिख रही है, इस तरीके से हम काट देंगे। अदरक के भी हम स्लाइसेस बना देंगे और इसके भी निकाल लेंगे, और नींबू का रस निचोड़ के रख लेंगे, उसके बाद फिर हम मसाला बनाएंगे। तो ये सब कट गया है। तो दोस्तों, ये देखिए, अभी अचार बनाने के सबसे पहले मैंने डाल दिया सरसों का इसमें तेल, जो कि गरम होगा, थोड़ी सी हींग, और इसमें ना अचार का मसाला मैंने अभी बनाया हुआ था आंवले के लिए, तो वही मसाला मैं डाल रही हूँ दोस्तों। और इसके साथ थोड़े से मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी एक्स्ट्रा, और हल्दी धनिया वगैरह, ये मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धनिया जो कम पड़ेगा उसके हिसाब से, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची, बाकी मसाला मैं इसी को डाल दूँगी। ये अचार का मसाला बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। अभी मैंने तो नमक मिला के रखा था, ज़्यादा देर के नहीं रखते हैं। तो आप देखिए, धुआँ छोड़ दिया इसमें, तो बंद कर दिया गैस को, सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें हम अचार, देखिए जो हमने काटे थे ना गाजर मूली, सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें खट्टापन देने के लिए डाल रहे हैं नींबू का रस। मैंने 2 नींबू का रस डाला हुआ है, बारी है दोस्तों इसको टेस्ट करने की, तो नमक वगैरह सही है कि नहीं, और यदि सही नहीं है तो आप इसमें और डाल दीजिए कम हो तो। तो चलिए सबसे पहले उठाते हैं गाजर को, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैं उसमें थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, बाकी ये सब बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सुपर सरप्राइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।